ब्रेन के अंदर ना हमारे कोई भी चीज इतनी एब्सोल्यूट नहीं होती है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सिर्फ चिंप ब्रेन में है, ह्यूमन ब्रेन में नहीं है. ह्यूमन ब्रेन में भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं. हमारे ब्रेन में कोई भी चीज ये नहीं है कि ये सिर्फ इस पार्ट में है. जैसे मेमोरी का जो सेक्शन है वो भी सिर्फ एक जगह नहीं, नहीं है, वो एक से ज्यादा है, मल्टीपल है. इमोशंस जो हैं वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक से ज्यादा है. ऑब्वियसली सम पार्ट्स आर मोर देन द अदर्स, सम पार्ट्स आर मोर डोमिनेंट, सम पार्ट्स आर जस्ट फॉर बैकअप. जैसे बैकअप जनरेटर नहीं होता किसी जगह पे, एक मेन को कुछ हो जाए तो देन द अदर वन वुड डू समथिंग. सो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आपके ह्यूमन ब्रेन में भी होते हैं. दे जस्ट विल स्टार्ट नीड टू वर्क इफ समथिंग हैपेंस टू योर एनिमल इंस्टिंक्ट्स. अगर आपको उसमें कोई मसला आ जाएगा तो तब, लेकिन सिर्फ एब्सोल्युटली एक जगह पे नहीं होता. चीजें ऐसी होती हैं, लोगों के शौक ऐसे होते हैं जो कि वो कहते हैं कि एक सेफर स्पेस में अगर आप उनको पूरा कर लें तो यू डोंट हैव टू डू दैट. जिस टर्म को इसको यूजुअली जैसे एड्रेनलिन जंकीज होते हैं जिनको कहा जाता है, जो ऐसी एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं जिससे कि उनको एड्रेनलिन रश मिलता है, इन अ वे दे आर ट्राइंग टू, इन देयर ओन वे दे आर ट्राइंग टू मेक देयर चिंप ब्रेन हैप्पी. नॉट नेसेसरली आई वुड से कि it's a great way to do it because you are activating that part of your brain more and more and more. aur wo phir aapka problem sara kya hai, problem sara ye hai ki if it starts working in places where it's not supposed to or where it shouldn't. ab aapki habit itni develop ho gayi hai us part ko use karne ki ke just between a conversation with me and you it shouldn't be there, but आपकी हैबिट इतनी डेवलप हो चुकी है चिंप ब्रेन को यूज करने की कि वो हमारी कॉन्वर्सेशन में आ जाएगा. यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब वो रिलेशनशिप्स में आ जाता है या जब वो ऐसी हैबिट्स की तरफ आपको ले जाता है विच आर नॉट हेल्दी एट ऑल. क्रेविंग जब भी कोई होती है और जब भी कोई रिलैप्स करता है, विच पार्ट इज एक्टिव एंड विच पार्ट शुड बी एक्टिव. शुड बी एक्टिव वन इज ह्यूमन ब्रेन, बट एंड इट ऑफन विंस. ठीक है, जिसकी वजह से लोग रिलैप्स करते हैं जानबूझ के. होशो हवास में लोग रिलैप्स नहीं करते हैं, जान के होशो हवास में लोग पहली दफा भी ड्रग नहीं करते हैं. लोग पहली दफा भी जब करनी होती है तब भी लोग जो हैं वो इसी की वजह से करते हैं, बिकॉज इट्स देयर एनिमल इंस्टिंक्ट दैट इज देयर चिंप ब्रेन बीइंग एक्टिव एंड डिजायरिंग समथिंग दैट दे शुडंट. ये जो इसके ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज हैं कि वेदर समबडी शुड इन्वॉल्व देमसेल्व्स indulge themselves in adventurous activities jinse adrenaline rush hota hai ki nahi hota hai. adrenaline jo hai wo this is a chemical inside your body which gets released. aapko wo tab hota hai adrenaline rush jaise skydiving karte hain koi adventurous kisi cheez mein jisme bahut zyada risk hota hai, jisme aapka fight or flight mode on hota hai. fight or flight mode on hota hai to aapki adrenaline release hoti hai body mein. body ke andar aapke there is this adrenal gland. एड्रेनल एक ग्लैंड है जिससे एड्रेनलिन रिलीज होती है. रिलीज होती है जब जब आप ऐसी किसी एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं जिसमें कि आपका एनिमल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है. सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं जिसकी वजह से आप फाइट और फ्लाइट करते हैं. व्हेन यू आर टेलिंग समबडी योर इशू, आप उनको अपना मसला बताते हैं तो आप सेटल डाउन नहीं हो जाते, थोड़ा सा आपका गुस्सा सबसाइड हो जाता है, आपका प्रॉब्लम उस वक्त के लिए कुछ हद तक जैसे हल हो जाता है. समटाइम्स टॉकिंग टू अ फ्रेंड, समटाइम्स टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट, समटाइम्स टॉकिंग टू अ फैमिली मेंबर. बट इफ ऑल ऑफ दोज आर नॉट अवेलेबल इन दैट सिचुएशन, डू इट विद योरसेल्फ. डोंट नीड टू डू इट आउट लाउड, यू कैन इवन डू इट विद इन योरसेल्फ, बट काइंड ऑफ लिसनिंग टू व्हाट द चिंप ब्रेन इज सेइंग. इफ यू हैव समबडी हु कैन लिसन, दैट्स ऑल्सो अ वे. जिसको आप कहेंगे कि इसका वेंट आउट हो गया, कैथार्सिस हो गया, आप उस वक्त थोड़ा सा, फिर वही टर्म यूज करूंगा, थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं एंड देन यू नॉट दैट फ्लेयर्ड अप एनी मोर. मे बी ओवर टाइम, बट इन अ वे मे बी ओवर टाइम, बट यू नो टू बिगिन विद इट्स अ बिट ऑफ अ टेस्ट. शुरू में तो आपकी वो पेशेंस टेस्ट होगी. शुरू में आप बाय द टाइम पीपल आर सपोज टू ब्रेक देयर फास्ट, दे आर ऑल एंग्री. लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि जी फास्टिंग से पेशेंस आता है, थोड़ा सा वो जो एक कॉन्सेप्ट है
ओवर टाइम व्हेन पीपल प्रैक्टिस टू फास्ट फॉर इयर्स एंड इयर्स उनमें पेशेंस आता है. व्हेन पीपल आर डूइंग इट फॉर द यू नो इन द बिगनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम उनमें बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे आते हैं बिकॉज देयर चिम ब्रेन इज नॉट सेटल्ड. जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, इफ यू आर वेल फेड एंड वेल स्लेप्ट राइट एंड यू आर नॉट लोनली एंड यू आर नॉट एंग्री तो चांसेस आर कि आपका चिम ब्रेन सेटल रहेगा. इफ यू आर फास्टिंग, आपकी रमजान में वैसे भी जनरली रूटीन ऑफ होती है स्लीप की, ईटिंग की, तो लोगों को जरा उसमें गुस्सा भी ज्यादा आ रहा होता है. स्लाइटली कॉन्ट्रोवर्शियल बट यस, कि शुरू में तो फिर आपको इसमें ट्रबल होगा. हमारे पास बहुत सारे इंडोर पेशेंट्स हैं इन रमजान व्हेन दे वांट टू फास्ट एंड वी सजेस्ट देम नॉट टू बिकॉज वो तो पहले ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर मेडिकेशन, बिकॉज ऑफ रिलैप्स, बिकॉज ऑफ क्रेविंग मैनेजमेंट. तो उनके लिए फिर उस चिम ब्रेन को हैंडल करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा होता है. दे ऑफन रूइन देयर फैमिली मीटिंग्स, काफी वो काम खराब कर देते हैं बिकॉज देयर इमोशंस आर नॉट इन चेक. यू नो फॉर एग्जांपल इट वुडंट डू एनीथिंग फॉर मी. I've never been in a habit of doing that. It's because it's similar to talking to yourself, right? Writing a journal bahut logon ke liye kaam karta hai. It's a habit that they have developed over time whenever some sort of feelings. If there's nobody to listen, they'll write it down. Okay, they'll write it down and unke mind se wo cheez ek minute ko nikal jati hai. Aur कुछ लोगों के लिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर मी टॉकिंग टू अ फ्रेंड हेल्प्स. इवन इफ आई एम नॉट सीकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, आई एम ऑफन नॉट सीकिंग फॉर अ सॉल्यूशन फ्रॉम अ फ्रेंड कि मुझे कोई मसले का हल करके दो, ये मेरा मकसद नहीं होता है. वो वैसे ही सुन लो एंड समटाइम्स दे लाइटन द मूड बाय डिस्ट्रैक्टिंग मी इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन. इधर उधर की कोई बात करके मूड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड दैट्स what helps my aggressive side settle down by playing a game, by preferably not playing an aggressive game because you know sometimes people are like by listening to music and then they end up listening to the music that aggravates their aggression even more. Koi bhi, I don't know for kaun sa kis type ka particular, but music sunne se ya jo aapne pehle jo bhi example di, it works for people, for different people. कुछ लोगों के लिए फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज अ म्यूजिशियन, प्लेइंग म्यूजिक वुड बी वेरी कामिंग फॉर देम. यू नो इफ दे प्ले सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्लेइंग इट वुड बी वेरी कामिंग फॉर देम. फॉर मी काउंसलिंग ऑल्सो काइंड ऑफ सेटल्स मी डाउन. मेरा काम है समहाउ व्हेन आई एम अपसेट ओवर अदर थिंग्स आई पुट माई सेल्फ बैक टू माई वर्क एंड व्हेन आई एम विद अ क्लाइंट एंड टॉकिंग टू देम एंड काउंसलिंग सेशन में होता हूँ तो इट सेटल्स मी डाउन. With me at least, driving also settles me down. It's kind of something that requires all my attention. So, mera gussa settle down ho jata hai. Painting. But I wouldn't say that for everybody. Some people will drive like crazy when they are angry. So, not for everyone. In the moment, to phir aap crisis management hi karenge na. In the moment. So, you have got to prepare yourself for something like that beforehand. So, ye hai ki aap keh rahe hain ki agar situation mein aap kaam hai lekin agla agitated ho jata hai, then you take a break. You take a break for 15 minutes, half an hour. Dobara jab aate hain, dobara aisa hi hota hai. But there is no other way of dobara aana. Iske alawa, there is no other way kyunki aapko conversation mein bar bar aana padega. Agar 15-20 minute ki break se kaam nahi chala, to zara lambi break leke dekh lein. You might have to try different approaches to the conversation, but to break up the conversation, वो एक ही हल है और वो best है. पहला है safe exit. पहला है safe exit. Safe exit तो ये है ना कि आपने और दूसरे ने दोनों ने agree कर लिया to exit the conversation. लेकिन लोग कहते हैं अगर दूसरा agree ना करे, so it's not ideal कि अगर दूसरा agree ना करे तो आप जबरदस्ती वहां से चले जाएं. लेकिन I would suggest चले जाएं. I would suggest उस conversation में से निकल आए. अगर अगला आपको नहीं भी निकलने दे रहा तो भी निकल आए. पहले try करें safe exit की कि जिसमें दोनों convince हो जाएं to resume a conversation at a different point. But अगर आपको अगला निकलने नहीं दे रहा तो जबरदस्ती निकल जाएं. But इस conversation में तो मुझे आपकी जो example में लग रहा है कि the other person does not have an issue in breaking the conversation and resuming it later. But whenever it does,
दे टेक इट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन जब भी हो जाता है, उसको थोड़ा एलैबोरेट करें, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ रॉन्ग डायरेक्शन? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। इसमें फिर डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू डोंट ऑलवेज हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, सो ट्राई इन्वॉल्विंग समवन, जो कि जिसका कोई इन्फ्लुएंस हो, या वो ये बात कर सके, मीडिएट कर सके कॉन्वर्सेशन को। अगर तो आपकी रेपिटेटिव ट्राइंग से भी आपकी कॉन्वर्सेशन ठीक नहीं हो रही है, देन यू नीड टू हैव अ मीडिएटर ऑफ सम काइंड। मीडिएटर कुड बी द रिलेटिव और अ प्रोफेशनल, तो आपको मीडिएटर की जरूरत है। अगर ये सिर्फ एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, तो एक मीडिएटर ये कॉन्वर्सेशन करा सकता है। अगर ये कॉन्वर्सेशन ने किसी डिसीजन पे पहुंचना है, यानी कोई डिसीजन मेकिंग कॉन्वर्सेशन है, यू हैव टू फाइंड सोल्यूशन टू समथिंग इन पर्टिकुलर, बट यू बोथ कांट कम ऑन द सेम पेज, तो फिर उसके फिर तीन चार डिफरेंट मेथड्स हैं। आइदर यू इन्वॉल्व वन पर्सन जो कि आपकी बात का वर्डिक्ट दे दे, आप दोनों की बात सुन के। आइदर यू इन्वॉल्व मोर देन वन पर्सन जो कि आपकी बात सुन के तो वोट कर दें, दो से तीन लोगों को कोई मेजॉरिटी फैसला कर दे, या फिर हाँ जिसपे बात यहाँ तक पहुंचती है, या फिर अगर तो आपकी अथॉरिटी है तो फिर आप आराम से अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। फिर आपको आर्ग्यूमेंट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि पेरेंट्स अगर डिसाइड करना चाहते हैं वेदर देयर चिल्ड्रन नीड एडिक्शन ट्रीटमेंट, दे ट्राई टू कन्विंस देम विद कॉन्वर्सेशन, दे ट्राई टू कन्विंस देम विद एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, अ मीडिएटर, जिसको वो थोड़ा सा फैमिली में रिस्पेक्ट करते हैं, या समथिंग लाइक दैट। You can seek intervention help from a professional. या ये सारी चीजें अगर नहीं हो पाती, but you have the authority, authoritative figure तो है ना, parents, guardian तो है बच्चों के, so then you make the decision. You don't necessarily always need to reason. आप गाड़ी गलत चलाते हैं तो traffic warden doesn't always reason with you. He doesn't really always need to reason with you. First he tries to reason with you first. But then eventually वो आपका फाइन कर देगा, बिकॉज ही कैन डू इट। ठीक है, आप कोई गलत काम करते हैं कोई सी जगह पे, किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी, किसी मॉल में, फर्स्ट दे ट्राई टू डू सम रीजनिंग विद यू। सो फर्स्ट दे ट्राई टू रीजन विद यू, बट देन दे कांट, देन दे एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी। ठीक है, सो हर दफा हर कोई प्यार से कन्विंस नहीं होगा, कीपिंग दैट इन माइंड इन एवरीथिंग, जरूरी नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट दैट यू ट्राई ओवर एंड ओवर अगेन। ट्राई टू फाइंड दैट पर्सन व्हेन दे आर इन अ रीजनेबल मूड, ट्राई टू फाइंड देम व्हेन दे आर सोबर, ट्राई टू फाइंड देम व्हेन दे आर वेल फेड वेल स्लेप्ट, सारी चीजें। आपको जितनी दफा ऐसे हालात का सामना होगा, उतनी दफा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी दफा आप उसमें अपने आप को टेम कर लेंगी, उतनी दफा टेम होने की प्रैक्टिस होगी। अगर आप एक्ट आउट करेंगी तो आपकी प्रैक्टिस खराब होती जाएगी। सो एवरी टाइम यू शुड कीप इन माइंड दैट द मोर यू एक्सरसाइज योर पेशेंस, द मोर स्ट्रॉन्गर योर पेशेंस विल बिकम। बट इफ यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग योर एग्रेशन, तो नेचुरली फिर वो आदत बन जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू लीव द कॉन्वर्सेशंस बिफोर इट गेट्स टू दैट पॉइंट। सबसे पहले तो आप उससे पहले
अर्ली साइंस देखना शुरू करते हैं ना. कन्वर्सेशन कहीं जब हमारी कुछ खास लोगों के साथ डिटीरियोरेट करती है, इट ऑलवेज हैज सर्टेन साइंस. ठीक है, अननोन बंदे के साथ तो चले आप नहीं कर सके फिगर आउट, बट दोज यू मीट एंड इंटरैक्ट विद ऑन अ डे इन डे आउट बेसिस, आप उनके साथ अर्ली साइंस नोटिस कर सकते हैं और उन अर्ली साइंस पे आपने वहां से निकल जाना है, उसमें से आपने वहां से एग्जिट ले लेना है. दैट्स द वे टू डू इट. टेम्परेन ऑफ योर्स डजंट नेसेसरली क्रिएट ओनली वन इमोशन, वो आपके अंदर फ्राइटनिंग इमोशन भी क्रिएट करता है और एक्सट्रीम एक्साइटेड इमोशंस भी क्रिएट करता है. ठीक है, वो सैड इमोशंस भी क्रिएट करता है और फुली एग्रेसिव इमोशंस भी क्रिएट करता है. सो इट कुड बी यू नो, इट विल डिपेंड इन द सिचुएशन कि वो जो हैप्पीनेस है वो लॉन्ग लास्टिंग किस्म की हैप्पीनेस है या वो कोई इन द मोमेंट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ गई है या एड्रेनलिन रश आ गया है. यू नो, पीपल इन टू गेट ऑन अ स्टेज टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ पीपल, दे वुड गेट सम सॉर्ट ऑफ एड्रेनलिन रश, वो तो टेम्परेरी ही है. ठीक, बट डे इन डे आउट इफ दे आर डूइंग द सेम एक्टिविटी ओवर टाइम इट विल बी लेस एक्टिव because it's a kind of a norm for them. वो फिर आपके लिए एक habit सी बन गई हुई है, आदत बन गई हुई है. Not a big deal, कोई बड़ी बात नहीं है. You know, पहली बार आप कोई बहुत exciting news सुनेंगे तो this side of your brain will become active. But अगर आपको every now and then you get to hear the same kind of things, you know, it's not that extreme where it starts hurting you or starts hurting other people. But every now and then, अगर आपके अंदर कुछ built up aggression है तो it will come out. It will need to come out. It's better if it comes out when it's not that dangerous. अभी वो इतना dangerous नहीं है और वो like I said कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा. कभी कभार अगर ऐसा कोई आपका छोटा मोटा outburst हो जाता है, that helps you settle down. मतलब I mean we're never gonna say कि it's okay to have outburst जिससे किसी का वो बहुत नुकसान हो जाए या आपका कोई बहुत नुकसान हो जाए. लेकिन अगर थोड़ा बहुत होता है कहीं पे तो इतना नहीं अपने आप को गिल्ट दे देना कि उससे आपकी जो है ना वो कॉन्फिडेंस इफेक्ट होने लग जाए. दैट्स बिकॉज पीपल डोंट ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू यू, थिंग्स डोंट ऑलवेज वर्क हाउ यू वांट देम टू बी. तो कोई इतनी स्ट्रेंज बात नहीं है कि आपका टेम्परेन एक्टिव होगा एवरी नाउ एंड देन. आप हर दूसरे बंदे से मिलते हैं, हर कोई आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा होता. हालात आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे होते, मौसम आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता है. सो समटाइम्स इज एक्सट्रीम हीट और गर्मी की वजह से किसी का ये ब्रेन एक्टिव हो गया है. सो कीपिंग इन माइंड दैट थिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स व्हेन दे हैपन दैट यू डोंट लाइक, देन योर टेम्परेन विल बिकम एक्टिव. So in those situations you have to apply those skills to tame it down. मैं नहीं कह रहा कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो विल पावर की वजह से अपनी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकता, पर इतने मिनिमल परसेंटेज है वो कि उसकी बेसिस पे जो बाकी सारे हैं जो नहीं कर सकते वो यानी इस मिथ के पीछे चलते रहते हैं कि मैं जब चाहूँ छोड़ दूँ, मैं जब चाहूँ कर लूँ, मैं जब चाहूँ फिट हो जाऊँ, मैं जब चाहूँ हेल्दी हो जाऊँ, ये बस जब चाहूँ लोग कहते रहते हैं. तो इस मिथ को बिलीव करते हैं. And there are people who exist जो कि अपनी विल पावर वाकई एक्सरसाइज कर सकते हैं और बहुत थोड़े होते हैं. तो बस उनके पीछे लग जाना और अपना काम खराब कर लेना इस. और दूसरा ये है कि जो लोग होते भी हैं ऐसे, वो अपने विल पावर को यूज कर करके डिप्लीट कर देते हैं ओवर टाइम, खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं. एंड वो उनके पास जितना भी रिजर्व में थी वो यूज हो जाती है. कुछ ऐसे भी लोग होते हैं. It's a wrong belief. One shouldn't follow कि will power से मैं जब चाहूँ जो मर्जी कर लूँ. Because then we would be our ideal selves. अगर हम उसकी वजह से कर सकते होते चीजें तो हर चीज परफेक्ट कर लेते फिर हम. इतनी अगर will power की power है तो फिर then we wouldn't have any problems. आपको skills की ज़रूरत, skill power की में जिसको हम कहते हैं. For example, you know, if I'm trying to control my diet, I don't need to go to a buffet. You know, it will become so tough. Even if I do it once or twice, अगर मैं अपनी will power की strength को वहाँ use कर लूँगा, मैं कहीं और weak पड़ जाऊँगा. किसी और जगह पे then I'd be like, मैंने यहाँ भी तो किया था, अच्छा चलो it's okay fine. So मैं कहीं किसी और जगह पे weak हो जाऊँगा. So उसको आप test ही ना करें. उसकी पेशेंस को इतना टेस्ट ही ना करें, बिकॉज देन चांसेस आर यू विल फेल.
आज फिर पी कर आया था। मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिबाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।